हे, वेलकम बैक टू आई चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे 15 प्रो का। छोटा सा रिव्यू होगा और अनबॉक्सिंग भी, अनबॉक्सिंग नहीं बोल सकते बिकॉज हमने इसको ऑलरेडी ओपन कर लिया है, ऑलरेडी चला के देख लिया है, तभी हम इसका रिव्यू कर रहे हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं। ये है हमारे पास 15 प्रो एंड 256 GB, और ये हमें पड़ा अराउंड 1,05,000 का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना सस्ता कैसे, 40,000 सस्ता कैसे। तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि ये हमें 40,000 सस्ता कैसे पड़ा। 15 प्रो 256 GB इंडिया में अभी प्राइस है 1,45,000, लेकिन हमें मिला ये जो फ़ोन है ये ख़रीदा है 1,05,000 का। ठीक है, वो आप लिंक देख लेना डिस्क्रिप्शन में जाके इसी वीडियो के। तो खोल लेते हैं फटाफट से, देखते हैं 15 प्रो। कलर है टाइटेनियम ब्लू, ये देखिए काफ़ी प्यारा कलर है। इसमें आपको चार कलर मिल जाएंगे, लेकिन ये हमारे पास जो है ये है टाइटेनियम ब्लू। अनबॉक्सिंग ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं, ऑलरेडी ओपन हम लोग ऑलरेडी इसको यूज़ पे ला चुके हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, इसमें एक नया जो फीचर है ये आप देखिए, इसमें एक्शन बटन है। पहले यहाँ पे साइलेंट का आता था, साइलेंट मोड, इसको आपको इस तरह से नीचे ऊपर करना पड़ता, लेकिन अभी ये एक्शन बटन आ गया है। ये 15 प्रो है, तो इसको हम कंपेयर करेंगे 14 प्रो से। तो अगर हम इसे 14 प्रो से कंपेयर करें तो इसका वेट थोड़ा लाइट है, अराउंड 20 ग्राम कम है ये 14 प्रो से, बिकॉज 14 प्रो में स्टेनलेस स्टील यूज़ होता है और इसमें आप देखिए ये पूरा टाइटेनियम बॉडी है। एक्चुअली मुझे ये चीज़ सही नहीं लगी, क्योंकि जो हमारे 13 है, 14 है, उसमें पूरा स्टेनलेस स्टील है, बाकी पुराने फ़ोनों में भी स्टेनलेस स्टील है, तो वो चीज़ काफ़ी शाइन देती है। अगर आपको फिंगरप्रिंट लग जाता है या गंदा हो जाता है, आप उसको एक बार वाइप करते हो ऐसे, या हल्का सा पानी लगा के से वाइप करते हो, बिल्कुल शाइनी लगता है। बट ये थोड़ा सा आपको डल जैसा देखने को मिलेगा, पूरा टाइटेनियम जो है बैक तो पीछे डल रहता है, बट साइड में आपको ये जो चीज़ है ना वो काफ़ी क्या बोलते हैं, साइनी रहता है वो, बट ये थोड़ा डल सा लगता है, आप चाहे वाइप कर लो इसको। ये ब्रांड न्यू है बिल्कुल, अभी हम इसको लेके आए हैं 6 घंटे पहले, देखिए, बट साइन नहीं है बिल्कुल भी। और इसमें एक्शन बटन आ जाता है, एक्शन बटन से आप इसको फ़ोन को साइलेंट कर सकते हैं। इससे आप जैसे 14-15 में अगर आप किसी की फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं तो साउंड आती है, बट इसमें आप साइलेंटली फ़ोटो देखें, आपका कैमरा ओपन हो जाएगा एक्शन बटन से ही। इसी से आप फ़ोन को साइलेंट कर सकते हैं, इसी से आप फ़ोटो क्लिक भी कर सकते हैं। ये देखिए फ़ोटो क्लिक हो रही हैं। एंड फ्लैश आप इससे ऑन कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी फीचर इसमें हैं एक्शन बटन में आपके। और यहाँ से आपका पावर का बटन हो गया, ये आपका वॉल्यूम अप एंड डाउन। तो अभी 14 एंड 15 में डिफरेंसेस क्या है, थोड़ा सा इसका कर्व अभी ज़्यादा दे दिया है, थोड़ा सा आप बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो तब आपको पता लगेगा, थोड़ा सा कर्व इसमें ज़्यादा है। USB इसमें C टाइप है, और केबल आपको एज़ यूजल जो आपको पुराने फ़ोनों के साथ मिलता है, जैसे मान लो 14 केबल, एंड इसके अंदर आपको एक एप्पल का स्टिकर मिल जाता है, और ये पिन मिल जाती है, और ये कुछ मैनुअल बुक्स हो गई। ये है लीड सी टाइप, और इसको आप किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको दूसरे फ़ोन का इसमें सी टाइप लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, बोट। ये देखिए चार्ज होने लग गया, 54% चार्जिंग है। तो इसमें आप किसी भी कोई भी सी टाइप चार्जर यूज़ कर सकते हैं, बाकी आपको इसके फ़ोन का तो मिलेगा ही। केबल में भी डिफरेंस है, क्योंकि जो आप पुरानी केबल आपको मैं दिखाऊं, जैसे ये हमारे पास ये है 14 प्रो की आईफोन की, इसमें थोड़ा प्लास्टिक है, और यहाँ पे अभी आप देखेंगे वायर में थोड़ा चेंजेस कर दिए हैं, इसके बाहर से ये कपड़े का बना दिया है, बट काफ़ी जल्दी गंदा हो जाएगा ये लीड इसका। बाकी आपको सी टाइप यहाँ पे मिल जाते हैं।
इसके साथ आपको ये केबल मिल जाएगी, एडेप्टर आपको इसका एज़ यूज़ुअल आपको एडेप्टर दूसरा लेना पड़ेगा, पिन आपको इसके अंदर मिल जाती है। बाकी यूज़ करने में सेम ही है बिल्कुल, 14 या 15, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कैमरे में थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर कैमरा दिखाऊँ आपको मैं तो इसकी जो फ़ोटो है 15 की वो थोड़ी वाइड आएंगी, जैसा कि आगे आप देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं 14 प्रो एंड 15 प्रो में मेन डिफरेंसेस क्या क्या हैं। 15 में आपको यहाँ पे थोड़ा सा कर्व देखने को मिल जाएगा, बॉडी टाइटेनियम मिल जाएगी, एक्शन बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ से आप फोन साइलेंट कर सकते हैं, पिक्चर ले सकते हैं, आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। एंड फ़ोटोज़ आपकी थोड़ी सी वाइड आएंगी 15 में, 14 प्रो एंड 15 प्रो अगर कंपेयर करें तो 15 में आपकी फ़ोटोज़ थोड़ी वाइड आएंगी। बाकी अगर आप 14 प्रो एंड 15 प्रो मैक्स का कैमरा अगर आप कंपेयर करते हैं तब आपको कैमरे में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा, बाकी 14 प्रो एंड 15 प्रो में ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, 19-20 का ही फ़र्क है। और आप इसको यहीं से जूम कर सकते हैं, ये चीज़ आपको 14 में देखने को नहीं मिलेगी, ये सिर्फ फीचर 15 में ही है अभी तक। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कंपेयर करेंगे 14 प्रो एंड 15 प्रो के कैमरे को। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।